नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, नौकरी की राह देख रहे हैं बिहार के अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। ऐसे में बीपीएससी ने बंपर बहाली फिर से एक बार निकाल दी है। ऐसे में बीपीएससी ने ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकाली है। ऐसे में देखा जाए तो करीब 1051 पदों पर वैकेंसी बीपीएससी के द्वारा निकाली गई है। आज से आवेदन शुरू हो गए हैं। ऐसे में अभ्यर्थी जो है बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। देखिए, लगातार बीपीएससी के द्वारा शिक्षक नियुक्ति हो या फिर अनेक नियुक्तियां हो, वो कहीं ना कहीं की जाती है। ऐसे में अब जाकर एग्रीकल्चर विभाग के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ऐसे में ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसको लेकर आवेदन से कहीं ना कहीं लिया जाना शुरू हो गया है। ऐसे में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की ओर से ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए 1051 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। ऐसे में देखा जाए तो बीपीएससी की इस भर्ती में आवेदन करने को लेकर इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। ऐसे में bpsc.bih.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अभ्यर्थी। ऐसे में बीपीएससी की इस वैकेंसी में भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि जो है 28 जनवरी 2024 निर्धारित की गई है। ऐसे में बीपीएससी भर्ती 2023 में रिक्तियों का कहीं ना कहीं ब्यौरा भी दिया गया है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा। ऐसे में बिहार लोक सेवा आयोग के इस भर्ती अभियान में कुल 1051 पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। ऐसे में इस भर्ती में एग्रीकल्चर सब डायरेक्टर के 155 पद, वहीं असिस्टेंट डायरेक्टर के 19 पद, तो वहीं देखा जाए तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग असिस्टेंट डायरेक्टर के 11 पद हैं, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के 866 पद शामिल है। ऐसे में बीपीएससी भर्ती 2024 की आयु सीमा जो है वो भी बताई गई है। ऐसे में बिहार लोक सेवा आयोग की इस भर्ती में आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और कहीं ना कहीं अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं एससी एसटी के लिए कहीं ना कहीं अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष की गई है। बीपीएससी भर्ती 2024 में आवेदन शुल्क जो है वो भी तय किया गया है। ऐसे में बीपीएससी ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर पद के लिए सामान्य व ओबीसी अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क के तौर पर ₹750 जमा करने होंगे। एससी एसटी व आरक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को ₹200 जमा करने होंगे। ऐसे में इसको लेकर बिहार लोक सेवा आयोग ने बड़ी जानकारी दी है। तो वहीं बीपीएससी भर्ती में करीब 15 जनवरी से ऐसे आवेदन करने को लेकर बातें कही गई है। तो वहीं कहा गया है कि इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन bpsc.bihar.government.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। ऐसे में आवेदन 15 जनवरी 2024 यानी कि आज से शुरू हो गया है। अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं तमाम बातें कही गई है। तो वहीं देखा जाए तो तमाम जानकारियां दी गई है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी योग्य हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना योग्यता देख सकते हैं। अगर वो योग्य हैं, वो अपनी वैकेंसी को देखते हुए, अपनी योग्यता को देखते हुए जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में 1051 पदों पर ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो वहीं ऑनलाइन वैकेंसी आज से ली जा रही है, 28 जनवरी तक यह वैकेंसी ली जाएगी। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।